आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश ने तबाही मचाई है, जिससे बाढ़ के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बाढ़ की वजह से दोनों राज्यों में 35 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। दोनों राज्यों में बचाव और राहत कार्य जारी है, जिसमें NDRF की 36 टीमें तैनात हैं और 138 नावें और 283 एक्सपर्ट तैराक मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी ने स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की निगरानी की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इस समय भीषण बारिश और बाढ़ की चपेट में है, जिससे दोनों राज्यों में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीते कुछ दिनों में हो रही लगातार बारिश ने पिछले 50 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश में बाढ़ की वजह से अब तक 19 लोगों की जान चली गई है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों को बचाव कार्यों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। राज्य में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है। तेलंगाना में भी स्थिति बहुत गंभीर है। यहां अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों एकड़ फसल का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसे प्राकृतिक आपदा घोषित किया है और मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। राज्य में राहत शिविरों में 4,000 से अधिक लोगों को स्थानांतरित किया गया है। दोनों राज्यों में बाढ़ से तबाही की स्थिति यह है कि कई जिले कनेक्टिविटी और बिजली से कट गए हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और कई जगहों पर रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गए हैं, जिसके कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। राज्य सरकारें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। सरकारें लोगों से अपील कर रही हैं कि वे सुरक्षित स्थानों पर जाएं और राहत शिविरों में शरण लें।